गुड मॉर्निंग, मैं रविंद्र कुमार, इंटर साइंस कॉलेज, कंप्यूटर डिपार्टमेंट। आज हम लोग 12th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, C++ रिवीजन 2। ये हम लोगों का 12th का चैप्टर 1। इसमें वो सब सारे चीजों को हम लोग रिवाइज करेंगे जो हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके थे। तो क्या क्या चीजों को पढ़े थे वो हम लोग यहाँ फिर से पढ़ेंगे। इस चैप्टर एग्जाम्स में करीब 8 से 10 मार्क्स का रहेगा। तो देखते हैं C++ रिवीजन 2। C++ इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। देखिए सी जो पहले जो पुराना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था वो मेरा सी था, लेकिन सी में कुछ डिमेरिट्स था या कुछ कमी था और उसी में कुछ चीजों को ऐड किया गया और उसका एक नया नाम दिया गया C++। तो जो पुराना नाम था C++ का उसका नाम था सी विथ क्लासेस। तो सी विथ क्लासेस थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसमें एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये जो प्लस प्लस है ये मेरा कौन सा ऑपरेटर कहता था, इंक्रीमेंट। तो बाद में इसका नाम को रिडिफाइन किया गया, चेंज किया गया और इसका नाम हो गया मेरा C++। इसका जो नाम C++ है, इसके जो डेवलपर थे, जो C++ को डेवलप किए थे, वो थे बाजार में स्ट्रॉ स्ट्रप्स। और ये जो C++ डेवलप किया गया है, तो इसको थोड़ा सा लिखते हैं, C++ इज अ हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप्ड एट AT&T Bell's Lab। ये उस जगह का नाम है जहां पे इसको डेवलप किया गया था, C++ को बनाया गया था इन अर्ली 80s, 80 के शुरुआत में, 79 या 80s में ये बनाया गया था। एंड इट वॉज डेवलप्ड बाय स्ट्रॉ स्ट्रप्स। तो C++ बेसिकली जो बना हुआ है वो मेरा सी से बना हुआ है। तो सी में कुछ चीजों मिसिंग था, जैसे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं था सी। तो यहां सी, इसका नाम था मेरा सी विथ क्लासेस, और बाद में इसका नाम लेटर ऑन इट्स नेम हैज बीन चेंज्ड एज C++। आइए देखते हैं कि C++ को रन कैसे करवाते हैं। इसके लिए हम लोगों को एक कंपाइलर का जरूरत पड़ेगा। C++ जो मेरा प्रोग्राम होगा वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो हम लोगों को पता है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है। मशीन जो समझता है वो समझता है लो लेवल लैंग्वेज, और उसके लिए हमको एक सॉफ्टवेयर चाहिए और उस सॉफ्टवेयर का नाम है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करेगा, इस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज जिसको कहते हैं लोग, या मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज मतलब सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो कि मशीन जिसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हम लोगों को पता है कि कंप्यूटर जो समझता है वो बाइनरी लैंग्वेज होता है, जिसको हम लोग मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं या लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो मशीन समझता है कह सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज, और हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम लोग जो प्रोग्राम को लिख रहे हैं और मशीन जिस लैंग्वेज को समझ रहा है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए एक सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है, और उस सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं कंपाइलर। तो कंपाइलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स, कह सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को ये किस में बदल रहा है, लो लेवल लैंग्वेज में या फिर ऑब्जेक्ट कोड। देखते हैं फिर कैसे ये प्रोग्राम मेरा लिखाएगा। अब आता है कुछ C++ कैरेक्टर सेट्स, मतलब जो प्रोग्रामिंग ये लैंग्वेज है वो कौन कौन से कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करेगा या कौन कौन सा सिंबल्स को ये रिप्रेजेंट करेगा। C++ कैरेक्टर सेट,
देखिए, हर लैंग्वेज का एक अपना कुछ कैरेक्टर्स या सिंबल्स होता है या कुछ अल्फाबेट्स होता है। इंग्लिश में हम लोग ए से जेड तो लिखते हैं, स्मॉल केस है, अपर केस है। मैथ्स का अपना सिंबल है, डिजिट से 0 से लेकर 9 तक। हिंदी का एक अपना है, उसी तरह से यहाँ सी प्लस प्लस भी जो हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि हम इसको किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी में प्रोग्रामिंग क्यों नहीं कर देते हैं, उर्दू में क्यों नहीं कर देते हैं, संस्कृत में क्यों नहीं कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स को सिस्टम जो है या कंपाइलर जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा कि नहीं, हम यही सब सिंबल्स को समझेंगे, बाकी सिंबल्स मिलेंगे इनवैलिड होगा। तो जो सिंबल या जो कैरेक्टर्स को सी प्लस प्लस के द्वारा समझा जाता है, उसके द्वारा कह सकते हैं रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको हम कह रहे हैं सी प्लस प्लस के कैरेक्टर सेट्स। तो ये कौन कौन सा कैरेक्टर्स को समझेगा? तो पहला तो ये लेटर्स को समझेगा। लेटर्स में कहां से कहां तक? कैपिटल ए से जेड और स्मॉल ए से जेड, ये सब साइंस को ये समझ जाएगा। फिर डिजिट्स को यहां हम लोग यूज कर सकते हैं। डिजिट्स में क्या? 0 से लेकर 9 तक। सबको नोट्स जो है वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ये दो पार्ट में नोट्स मिलेगा आप लोगों को, एक पार्ट 1 पार्ट 2। तो ये हम लोग का हो गया है डिजिट्स भी ये रिकॉग्नाइज करेगा। फिर आता है कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर जैसे प्लस माइनस इनटू और भी जो ऑपरेटर्स है, जैसे ये सब जो भी सिम्बॉल्स है। ऐसा नहीं कि हर सिम्बॉल यहाँ यूज होगा। कीबोर्ड में ढेर सारा बटन रहता है, ये नहीं कि पाई का यूज स्कैनिंग कर रहे हैं, सिग्मा का यूज स्कैनिंग कर रहे हैं। तो हर सिंबल को सी प्लस प्लस रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। तो वो जो सिंबल्स को या कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट या रिकॉग्नाइज करेगा वो मेरा सी प्लस प्लस का कैरेक्टर सेट्स कहलाएगा। तो वो कौन कौन सा चीजों को समझ रहा है? कैपिटल में ए से लेकर जेड तक यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल में ए से लेकर जेड तक यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिट्स में 0 से लेकर 9 तक का यूज करेंगे। स्पेशल कैरेक्टर्स में ये सब सिंबल्स को यूज करते हैं हम लोग। और ये सर कुछ व्हाइट स्पेसेस है, व्हाइट स्पेसेस में जैसे कि ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक स्पेस। फिर एंटर का जो बटन है दैट इज हॉरिजॉन्टल टैब भी है, हॉरिजॉन्टल टैब। फिर कैरेज रिटर, कैरेज रिटर। तो ये सब कुछ सिंबल्स है जो दिखेगा नहीं। ऐसा नहीं कि ये दिख क्यों नहीं रहा है, ब्लैंक स्पेस है, स्पेस दबाते हैं तो वो दिखेगा थोड़ी कि यहाँ स्पेस है कि नहीं। जैसे मान लेते हैं कोई वेरिएबल बना रहे हैं इंडेक्स, तो यहाँ पे एक स्पेस छिपा हुआ है। अब ये एक स्पेस है, दो स्पेस है, तो जो कंपाइलर होगा वो एक्स्ट्रा स्पेसेस को इग्नोर करेगा। ऐसा नहीं कि सर एक स्पेस से दो स्पेस दे देंगे तो क्या होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां स्पेस लगना चाहिए, अब मान लीजिए यहाँ पे हम एक स्पेस या दो स्पेस लगा, तो यहाँ स्पेस नहीं लगा है तो ये एरर देगा। तो जहां स्पेस का जरूरत होगा वहां स्पेस लगना होगा। व्हाइट स्पेसेस के बाद ये कुछ और कैरेक्टर्स को भी समझेगा, जिसमें अदर कैरेक्टर्स जो आता है, जिसमें जो 256 कैरेक्टर है जिसका ASCII कोड है, एनी ऑफ द 256 ASCII कैरेक्टर्स। अभी सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है या वो जो कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें हम लोग हर तरह का चीजों को या हर तरह का सिंबल जो भी कीबोर्ड में, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। उसका एक लिमिटेशन है कि वो कौन कौन सा कैरेक्टर्स को समझेगा। तो उसी सब को हम लोग क्या कह रहे हैं, सी प्लस प्लस कैरेक्टर सेट्स। अब हम लोग आते हैं टोकेंस की। व्हाट आर टोकेंस? एग्जाम्स में भी ये आते रहता है, टोकेंस क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकेंस। टोकेंस हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, क्लासेस किए हैं। टोकेंस इसको अगर एक लाइन में कहा जाए तो इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है, इंडिविजुअल यूनिट
यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। अब जैसे एक छोटा सा पहले प्रोग्राम लिखते हैं कि किसको हम कह रहे हैं, जैसे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, फिर लिखते हैं हैश इंक्लूड क्रोनियम डॉट एच, ये तो मेरा दो हेडर फाइल होता है। अब इसके नीचे हम क्या लिखते हैं, void main। अब यहां लिख देते हैं cout welcome to C++, और यहां लगाते हैं get ch। अब ये तो मेरा एक छोटा सा C++ का प्रोग्राम है। अब इसमें जो छोटा छोटा टुकड़ा है, ये सब जो पार्ट्स है, ये मेरा एक टोकन कहलाएगा, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। एक प्रोग्राम जो बना हुआ है वो छोटा छोटा जो टोकन है उसी को मिला के या उसी को कंबाइन करके बनाया गया है। तो C++ में टोकन्स मेरा पांच तरह का है। तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ C++ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन्स, एंड C++ हैज फॉलोइंग टोकन्स। कौन कौन सा टोकन्स है, पहला हम लोग का है की वर्ड्स, दूसरा है आइडेंटिफायर्स, तीसरा है लिटरल्स, चौथा है पंक्चुएटर्स, और पांचवा है ऑपरेटर्स। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है कि कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स में डिफरेंस क्या है, या लिटरल्स किसको कहते हैं, ऑपरेटर्स तो खैर बड़ा है, इसके बारे में हम देखते हैं। कीवर्ड्स किसको बोला जाएगा, तो ध्यान रखिएगा टोकन किसको कह रहे हैं, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट जो प्रोग्राम होता है सी प्लस प्लस में, उसमें जो छोटा छोटा जो टुकड़ा बना हुआ है वो मेरा कहला रहा था टोकन्स। और टोकन्स पांच प्रकार के हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स और ऑपरेटर्स। चलिए देखते हैं पहला कीवर्ड्स, इसको कहते हैं हम लोग कीवर्ड्स। तो पहला नंबर पर आ जाते हैं हम लोग कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स आर द स्पेशल रिजर्व वर्ड्स विच कन्वे स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर। देखिए कुछ वर्ड्स जो है, कुछ वर्ड्स या यहां अगर कहा या सी प्लस प्लस में, तो यहां 48 कीवर्ड्स है, सी प्लस प्लस है 48 की वर्ड्स। कौन कौन से हैं, जैसे इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, पब्लिक है, प्राइवेट है, स्ट्रक्ट है, क्लास है, ऐसा सा ढेर सारा है। लेकिन आप यही सब वर्ड्स को क्यों करें, देखिए कुछ वर्ड्स जिसको C++ के कंपाइलर के लिए रिजर्व करके रख लिया गया है कि इसको हमको जब भी ये चीज मिलेगा हमको तो हम इसको इसी तरह से यूज करें, जैसे इंट अगर कहीं भी उसको लिखा हुआ मिलेगा तो ये वेरिएबल बनाना चाहिए। हाँ इंट की जगह अगर आप कैपिटल इंट यूज करते हैं तो ये कीवर्ड नहीं रहेगा, कीवर्ड जो भी होगा मेरा दैट मस्ट बी इन स्मॉल केस, कीवर्ड हमेशा लिखाएगा तो वो स्मॉल केस में ही लिखाएगा। कीवर्ड्स मस्ट बी रिटन इन स्मॉल केस, हमेशा स्मॉल केस में। अगर हम इसको कैपिटल केस में लिखते हैं कीवर्ड्स को तो वो इनवैलिड, वो कीवर्ड नहीं रह जाएगा, वो नॉर्मल चीज बन जाएगा। तो कीवर्ड्स आर द स्पेशल रिजर्व वर्ड्स, कुछ वर्ड्स कंपाइलर के लिए रिजर्व करके रखा गया है, और वैसे वर्ड्स को हम लोग कह रहे हैं कीवर्ड्स। जो पुराना सी प्लस प्लस है उसमें 48 था, नया जो वर्जन है उसमें कुछ और कीवर्ड्स को ऐड किया गया है। तो लिस्ट बुक्स में दिया हुआ है या नोट्स में हम
जो करवा देंगे तो C++ है 48 कीवर्ड्स। कुछ प्रोग्रामिंग करते करते आप लोगों को याद आ जाएगा ये कौन सा कीवर्ड है या नहीं। जैसे क्लास ये कीवर्ड है, स्ट्रक्ट कीवर्ड है, इफ है, एल्स है, स्विच है, तो ऐसा ऐसा ढेर सारे मेरे पास कीवर्ड्स है। दूसरा आता है आइडेंटिफायर्स, इसको कहेंगे हम लोग आइडेंटिफायर्स। सेकेंड वन आइडेंटिफायर्स, हर चीज का एक नाम होता है। हम लोग का भी एक नाम है, कॉलेज का एक नाम है, सब्जेक्ट का एक नाम होता है, शहर का एक नाम है, गांव का एक नाम है। तो उसी तरह से जो भी यहाँ चीज हम बनाएंगे, चाहे वेरिएबल बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हर चीज को एक नाम देंगे। अब यहाँ सवाल है कि नाम जो देंगे उसमें क्या क्या चीजों को हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग का नाम सिर्फ कह सकते हैं अल्फाबेट से राउंड है, ए से लेकर जेड तक। किसी का नाम में डिजिट्स नहीं रहता है, लेकिन सर्टिफिकेट या गाड़ी का नंबर है वहां डिजिट्स भी अलाउड है। तो हर जगह पे अब यहाँ जो वेरिएबल्स हम लोग देंगे या कोई भी फंक्शंस बनाएंगे या कोई एरे बनाएंगे तो उसको एक नाम देंगे। तो नाम में कौन कौन सा कैरेक्टर अलाउड है, तो कैपिटल में अलाउड है ए से लेके जेड तक। स्मॉल केस में यूज कर सकते हैं ए से लेके जेड तक। डिजिट्स का यूज कर सकते हैं 0 से लेकर 9 तक। और एक सिंबल अंडर स्कोर, बस इतना ही का यूज कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स में सिर्फ अंडर स्कोर अलाउड है, और कैपिटल में ए से लेके जेड, स्मॉल में ए से लेके जेड, और डिजिट्स में 0 से लेके 9। इससे बाहर का कोई भी सिंबल्स अलाउड नहीं है किसी का जब हम लोग नाम देंगे तब। तो देखते हैं कुछ आइडेंटिफायर्स का। कुछ जैसे मान लेते हैं कोई वेरिएबल ले रहे हैं इंट रॉल, तो ये वैलिड है। लेकिन अगर हम लिखते हैं इंट रॉल नंबर तो ये इनवैलिड हो गया। अब कहे ये इनवैलिड हो गया, तो यहां पे जो है वो मेरा स्पेस आ गया, तो नहीं हमको इंट रॉल नंबर लिखना है। तो इसको ऐसे लिखिए रॉल अंडरस्कोर एनओ, या फिर इसको ऐसे लिखिए रॉल एनओ। ये वैलिड है, ये वैलिड है, लेकिन ये इनवैलिड है, ये भी मेरा वैलिड है। वैलिडिटी का क्या प्रश्न, ये मेरा वैलिड है, ये भी वैलिड है, और ये भी मेरा वैलिड है। इसमें सिर्फ रॉल था, ये इनवैलिड क्यों हो गया, क्योंकि ये दोनों के बीच में एक स्पेस आ गया। तो अब कंपाइलर नहीं समझ पा रहा है कि हमको एक वेरिएबल बनाना है कि दो वेरिएबल बनाना है। अब यहां रहा कि हम कौन कौन सा सिंबल यूज कर सकते हैं, तो सिर्फ स्पेशल सिंबल में क्या यूज करना है अंडरस्कोर। ऐसा भी नहीं कि हम डॉट लगा दें, ऐसा नहीं कि हम यहाँ एट द रेट लगा दें, ये सब कोई यहाँ पे अलाउड नहीं है। सिर्फ अलाउड में है अंडरस्कोर। तो कौन कौन सा वैलिड है या इनवैलिड है ये थोड़ा सा, क्योंकि जब हम लोग वेरिएबल्स बनाएंगे आगे तो उस समय नाम लेने से हम लोगों को फिर दिक्कत नहीं, सर इसको ऐसे क्यों लिख दूं। तो कुछ कुछ चीजों को ध्यान रखना होगा। पहला पॉइंट है कि जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। जो भी कीवर्ड्स था, जो रिजर्व वर्ड्स था, उसको हम नाम में यूज नहीं करें। जैसे हम नहीं लिख सकते हैं इंट क्लास, क्यों, क्योंकि क्लास इज अ कीवर्ड। क्लास क्या था मेरा, एक कीवर्ड है, इसीलिए हम इसका यूज नहीं करेंगे नाम देने। हाँ ऐसे यूज कर सकते हैं इंट क्लास, क्यों, अब ये कैपिटल हो गया और कैपिटल वाला मेरा जो था वो आइडेंटिटी कीवर्ड्स नहीं था, ये मेरा वैलिड हो गया। दूसरा चीज क्या है कि नाम जब भी स्टार्ट होगा, जो आइडेंटिफायर नेम है, तो नेम मस्ट ऑलवेज स्टार्ट विथ, कौन कौन सा सिंबल से स्टार्ट हो सकता है, ए से जेड एंड अंडर स्कोर। वो कभी भी डिजिट से शुरू नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम लोग देख लेते हैं आइडेंटिफायर्स, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे इसी का जो बाकी पार्ट्स का।